सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड। ओके, अभी तो फर्स्ट सेशनल या अदर सेकंड सेशनल थर्ड सेशनल आपका एमसीक्यू पे होने वाला है, राइट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है पीसी सेकंड के, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए गए हैं। ओके, सिंपल एमसीक्यूज है प्लस आंसर। ये जो यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है ये आंसर है, राइट? देन एनुअल एग्जाम एमसीक्यूज पीसी सेकंड। ओके, मतलब कि आपको सेशनल को या टेस्ट टेस्ट को भी यूजफुल है, ठीक है, एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश डैश इज अ हेट्रोसाइक्लिक, 1 मिनट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ अ 5 मेंबर रिंग। ऑप्शन है अजाइरिडिन, अजेपाइन, अजोलिन एंड अजोल। ओके, अजाइरिडिन इज अ 3 मेंबर रिंग, दैट मीन्स 3 कंपाउंड। अजेपाइन 7 मेंबर रिंग, अजोल इज अ 5 मेंबर रिंग एंड देन अजोलिन 6 मेंबर रिंग। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? अजोल, बिकॉज अजोल इज अ 5 मेंबर रिंग। ओके, अजोल का स्ट्रक्चर अब ठीक है ड्रॉ करोगे तो अजोल मीन्स अजा ग्रुप, अजा ग्रुप सो नाइट्रोजन ग्रुप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अजोल। सो 5 मेंबर रिंग, 1, 2, 3 देन 4 एंड 5, इट इज अ 5 कार्बन एटम नो, सो इट इज अ 5 मेंबर रिंग। सो ओ एल ई, ओ एल ई अगर अटैच होता है तो उसको 5 मेंबर रिंग, और अजा मीन्स नाइट्रोजन एटम। सो अजोल, पायरोल या अदर ऑक्सोल, दीज रिंग आर दी 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर साइक्लिक रिंग। ओके, सो राइट आंसर इज अजोल। ओके, अजोल इज अ 5 मेंबर रिंग, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द हेट्रोसाइक्लिक सॉरी द हेट्रो एटम प्रेजेंट इन अ पायरोल इज, विच हेट्रो एटम प्रेजेंट पायरोल? ऑक्सीजन, सल्फर, फर्स्ट है ऑक्सीजन, बी सल्फर, सी नाइट्रोजन एंड डी बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन एंड सल्फर तो हो नहीं सकता बिकॉज पायरोल रिंग कैसा है? 5 मेंबर रिंग है, बिकॉज ओ एल ई अटैच है एंडिंग में, सो इट इज अ 5 मेंबर रिंग। देन पायरो ग्रुप अटैच है, सो नाइट्रोजन ग्रुप प्लस 5 मेंबर रिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल नो। सो यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, पायरो एटम मीन्स नाइट्रोजन सफिक्स हम पायरो यूज करते हैं, पायरो या अजा। ओके, सो राइट आंसर इज अ नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो आंसर क्या आएगा? ऑक्सोल। देन सल्फर प्रेजेंट होगा तो थायोफीन, बिकॉज थायो ग्रुप इज अ सल्फर ग्रुप नो, एंड बोथ नाइट्रोजन प्लस सल्फर थायाजोलिडीन। ओके, थायाजोलिडीन रिंग मध्ये नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ऐटम अटैच है, हेट्रो एटम्स। सो राइट आंसर इज अ नाइट्रोजन, बिकॉज पायरोल रिंग अभी आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था, सो नाइट्रोजन इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देन थर्ड क्वेश्चन, द गिवन स्ट्रक्चर इज नोन एज विच स्ट्रक्चर? इंडोल, बेंजोफ्यूरॉन, कार्बाजोल, कार्बोजोल देन मेलेनिमाइड। ओके, कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट है? यस, कौन सा स्ट्रक्चर राइट है यहाँ पे? मतलब कि इंडोल का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इंडोल के स्ट्रक्चर में अटैचमेंट क्या है? 2 नाइट्रोजन एटम्स। ओके, इंडोल का स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम अटैच होगा और यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल। देन बेंजोफ्यूरॉन, बेंजोफ्यूरॉन राइट आंसर क्यों है? बिकॉज बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, दिस इज अ बेंजीन रिंग नो प्लस फ्यूरॉन। अगर किसी 5 मेंबर रिंग को हम नाइट्रोजन एटम दैट मीन्स ऑक्सीजन एटम अटैच करते हैं, राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन। केमिकल नेम में उसको ऑक्सोल भी कहा जाता है, ऑक्सोल। यहाँ पे रिंग अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, उसका वीडियो भी है, राइट? मतलब कि इसके पहले का लेक्चर अगर देखोगे फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, सो वो बहुत ही यूजफुल है, उसमें रूल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, राइट? देन कार्बाजोल, कार्बोजोल, मेलेनिमाइड, बेंजोफ्यूरॉन एंड इंडोल। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोफ्यूरॉन, बिकॉज बेंजीन रिंग प्लस फ्यूरॉन रिंग, राइट? सो इट इज कॉल्ड एज अ, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ
बेंजो फ्यूरॉन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर फोर. ओके सो वन टू पोजिशन विथ अ सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंटेंट टू नाइट्रोजन एटम्स इज कॉल्ड वन टू पोजिशन. फर्स्ट पोजिशन और सेकेंड पोजिशन विथ सिक्स मेंबर्ड रिंग. ओके सो फर्स्ट पोजिशन और सेकेंड पोजिशन मतलब कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम अटैच है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम अटैच है. राइट सो फर्स्ट पोजिशन और सेकेंड पोजिशन पे नाइट्रोजन एटम अटैच करना है. सो इट इज कॉल्ड एज अ पाइरिडाजीन. पाइराजीन फर्स्ट और थर्ड नंबर को अगर नाइट्रोजन एटम अटैच होता है थर्ड नंबर को सो इट इज कॉल्ड एज अ पाइराजीन. पाइरिडीन सिर्फ वन नाइट्रोजन एटम सिर्फ वन नाइट्रोजन एटम का अटैचमेंट है सिक्स मेंबर रिंग को. राइट सो इट इज कॉल्ड एज अ पाइरिडीन. ओके एंड पाइरिमिडीन का स्ट्रक्चर वन एंड फोर्थ पोजिशन को अगर नाइट्रोजन एटम अटैच है सो इट इज कॉल्ड एज अ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ पाइरिमिडीन. ओके सो फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन को नाइट्रोजन एटम सिक्स मेंबर रिंग को अटैच है सो इट इज कॉल्ड एज अ पाइराजीन सॉरी पाइरिडाजीन. ठीक है सो पाइरिडाजीन पाइराजीन पाइरिडीन पाइरिमिडीन देन पाइपराजीन ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है केमिस्ट्री सेकेंड में. ओके इट इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन सेवलॉन कंटेन्स सेट्रीमाइड क्लोरहेक्सिडीन प्लस सेट्रीमाइड प्लस ब्यूटाइल अल्कोहल देन सेट्रीमाइड प्लस क्लोरहेक्सिडीन प्लस ब्यूटाइल अल्कोहल देन सेट्रीमाइड प्लस सेट्रावलोन. ओके सो राइट आंसर इज अ सेट्रीमाइड प्लस क्लोरहेक्सिडीन. एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन है सेवलॉन कंटेन्स. ओके सेवलॉन इज अ क्लोरोक्सिलेनॉल दैट मीन्स लाइजॉल. ओके सो सेवलॉन इज अ डिसइंफेक्टेंट. नो कैटेगरी क्या है सेवलॉन की डिसइंफेक्टेंट. ओके सो राइट आंसर इज अ ऑप्शन नंबर ए. ओके सेट्रीमाइड प्लस क्लोरहेक्सिडीन इज अ सेवलॉन. ओके सेवलॉन में क्या होता है सेट्रीमाइड प्लस क्लोरहेक्सिडीन. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच सल्फोनामाइड आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. ऑप्शन है सल्फ्यूर ऑक्साजोल सल्फाडोक्सिन सल्फीडाइमाइडिन सल्फासैलिजिन. ओके सो राइट ऑप्शन इज अ सल्फाडोक्सिन सल्फाडोक्सिन. ओके इसमें फाइव मेंबर मतलब कि सिक्स मेंबर टू नाइट्रोजन एटम अटैच रिंग अटैच है सल्फाडोक्सिन में. ओके जो कि मलेरिया के कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है एंटी मलेरियल ड्रग करके. ओके दिस इज द सल्फोनामाइड सल्फोनामाइड डेरिवेटिव दैट आर यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया दैट मीन्स म्यूकोबैक्टेरियम जो प्लाज्मोडियम के स्पेसिस है उसके लिए ट्रीट करता है. राइट देन क्वेश्चन नंबर सेवन. ओके सल्फा मेथॉक्साजोल इज अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग बी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग सी शॉर्ट इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग एंड डी मिक्सड एक्टिंग ड्रग. सो सल्फा मेथॉक्साजोल इज अ शॉर्ट टू इंटरमीडिएट एक्टिंग दिखाता है मतलब कि एक्शन दिखाता है उतने टाइम में एंटीबायोटिक एक्शन एंटी बैक्टीरियल एक्शन. ओके सल्फा मेथॉक्साजोल इज अ टाइप ऑफ सल्फा सल्फोना अमाइड नो सो शॉर्ट टू इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग. ओके सो राइट ऑप्शन इज अ ऑप्शन नंबर सी. ओके देन क्वेश्चन नंबर फोर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड इज इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोप्टेरेट रिडक्टेज बी है इनहिबिशन ऑफ साइक्लोक्सीजनेज एक्टिवेशन ऑफ डीएनए गायरेज देन डी इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोप्टेरेट सिंथेटिज. ओके जो सल्फोनामाइड पे भी आपको वीडियो मिलेंगे इस फार्मा नॉलेज के चैनल पे. तो सल्फोनामाइड इज इम्पोर्टेंट ड्रग. सल्फोनामाइड के ऑल डेरिवेटिव जो है कोट्राइमेक्साजोल ट्राइमेथोफ्रिन इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है जो कि इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोप्टेरेट सिंथेटिज दैट मीन्स फोलिक एसिड. ओके सल्फोनामाइड फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं देता होने नहीं देता है बैक्टीरियल फोलिक एसिड. ओके तो उसको इनहिबिट करता है दैट मीन्स इनहिबिट टू द डाइहाइड्रोप्टेरेट सिंथेटिज. अगर डाइहाइड्रोप्टेरेट सिंथेटिज को ही इनहिबिट करेगा तो नेक्स्ट स्टेज में टेट्राहाइड्रो या ट्राइहाइड्रो से हाइड्रो दैट मीन्स टेट्राहाइड्रोप्टेरेट सिंथेटिज होगा नहीं. ओके मीन्स डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटिज फोलिक एसिड. ओके जो है
पेरोइक एसिड का जो सिंथेसिस है वो बैक्टीरियल बॉडी में है, राइट। अगर उसी पे अटैक करके सल्फोनामाइड उसे इनहिबिट करता है, किल करता है, सो फोलिक एसिड सिंथेसिस होगा नहीं, राइट। इसका पाथवे भी मैंने डिटेल में दिया है पिछले वीडियो में, सल्फोनामाइड के फ्लो चार्ट इज अ इम्पॉर्टेंट ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कोट्रिमेक्साजोल, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, पाबा प्लस डैप्सॉन, ओके। दैट कंपाउंड्स आर इनहिबिट्स टू जी डाइहाइड्रोक्यूरेट सिंथेटेज एंजाइम, दैट मीन्स इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कोट्रिमेक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल। बी है ट्राइमेथोप्रिम सल्फाडायाजिन, सी ट्राइमेथोप्रिम मेफेनाइड, डी इज अ पायरीमेथामाइन एंड स्टोपिडिन सल्फिडाजिन, दैट मीन्स बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज अ ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल जो कि सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, ओके। कोट्राइमेक्साजोल इज एंटीबायोटिक ड्रग नो, कोट्राइमेक्साजोल इज यूज इन अ कॉम्बिनेशन विथ ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फामेथोक्साजोल, ओके। मतलब कि मल्टीपल ड्रग थेरेपी में कोट्राइमेक्साजोल का मेन रोल है, राइट। सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द 10th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन है इन लेप्रोसी द बेस्ट बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। नाउ व्हाट इज बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल इज अ किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ए ऑप्शन है क्लोफियाजिमाइन, बी है डैप्सॉन, सी है रिफामपिसिन, देन डी है इथियोनामाइड। सो राइट आंसर इज अ रिफामपिसिन, ओके। इन लेप्रोसी द बेस्ट बैक्टीरियोसाइडल एजेंट इज रिफामपिसिन। रिफामपिसिन इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी लेप्रोटिक ड्रग, देन एंटीबायोटिक, ओके। दिस इज द मेन कंपाउंड रिफामपिसिन। इन लेप्रोसी द बेस्ट बैक्टीरियोसाइडल, लेप्रोसी जो लेप्रिया का इन्फेक्शन है, मिकोबैक्टेरियम लेप्रिया इन्फेक्शन, ठीक है। सो उसके लिए बैक्टीरियोसाइडल का काम करता है, मतलब कि कंप्लीट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्ट्रक्चर। केमिकल नेम भी देखना है हमें स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो केमिकल नेम क्या होगा, सल्फा डायाजीन, बिकॉज ये तो स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड का जो कि सल्फोन प्लस अमाइनो ग्रुप का कॉमन स्ट्रक्चर है। सो डायाजीन व्हाई, बिकॉज वन नाइट्रोजन एटम, सेकेंड नाइट्रोजन एटम, सो इट इज अ टू नाइट्रोजन एटम, सो डाई अजाइन, अजाइन मीन्स सिक्स मेंबर रिंग, आई एन ई अजा व्हाई, बिकॉज नाइट्रोजन एटम अगर अटैच हुआ तो हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, अजा, ओके। सो आई एन ई, आई एन इज अ सिक्स मेंबर रिंग, समझ में आ रहा है। सो बेस्ट राइट केमिकल नेम क्या होगा, सल्फा डायाजीन। स्ट्रक्चर समझ में आया आपको, सिंपल स्ट्रक्चर है NH2 प्लस बेंजीन रिंग SO2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप प्लस सल्फोन ग्रुप प्लस ये सल्फा डायाजीन का स्ट्रक्चर। डायाजीन फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन, सो डाई अजा, नाइट्रोजन ग्रुप अगर अटैच है सो अजा यूज करते हैं, राइट। अजा और पायरा यूज करते हैं नाइट्रोजन ग्रुप को। देन आई एन ई सिक्स मेंबर रिंग होगा तो आई एन ई अटैच करना है, फाइव मेंबर रिंग होगा तो ओ एल ई अटैच करना है, राइट, जो कि हमने रूल्स में देखा है। सो इट इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फा डायाजीन, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सल्फा डायाजीन, ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी लेप्रोसी ड्रग कॉज स्किन स्किन इचाइथाइसिस, ओके, स्किन इचाइथाइसिस, ओके। सो बेस्ट ऑप्शन, दैट मीन्स आंसर इज अ क्लोफेजिमाइन। क्लोफेजिमाइन इज एंटी लेप्रोटिक ड्रग, ओके, जो कि मिकोबैक्टेरियम लेप्रिया का जो इन्फेक्शन है उसको डिसइन्फेक्शन करता है, राइट, डिसइन्फेक्शन करता है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग, ओके। इट इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटी लेप्रोटिक ड्रग, ओके। सो राइट आंसर इज अ क्लोफेजिमाइन, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 13, ओके, क्वेश्चन क्या है, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज हाइपर यूरिसेमिया, ओके, दैट मीन्स हाइपर
यूरिकेमिया ऐसे भी कहा जाता है उसको। सो फर्स्ट आंसर इज आइसोनियाजाइड, रिफामपिसिन, पायरेजिनामाइड, इथैंबुटोल। राइट आंसर इज अ पायरेजिनामाइड, पायरेजिन डेरिवेटिव। ओके सो एंटी ट्यूबर क्यूलर ड्रग में पायरेजिनामाइड आर एंटी ट्यूबर क्यूलर ड्रग कॉजेज द हाइपर यूरिकेमिया। ओके हाइपर यूरिकेमिया का भी वहाँ पे कॉजिंग एजेंट है। सो राइट आंसर इज अ आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड IUPAC नेम इज अ, फर्स्ट है 2,4-डाइअमीनोसैलिसिलिक एसिड, 2-अमीनोसैलिसिलिक एसिड, 4-अमीनोसैलिसिलिक एसिड एंड लास्ट डी ऑप्शन है 3-अमीनोसैलिसिलिक एसिड। राइट आंसर है 4-अमीनोसैलिसिलिक एसिड। राइट 4-अमीनोसैलिसिलिक एसिड अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है पास का मीन्स पैरा अमीनोसैलिसिलिक एसिड का। ओके सो यहाँ पे होगा COOH, अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है ठीक है, जितना अच्छे से होगा उतना कोशिश करूंगी। द OH ग्रुप एंड दिस इज अ NH2। ओके सो अर्थो, मेटा एंड देन पैरा। सो पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप अटैच है। सो 4-अमाइनो नंबरिंग कहाँ से स्टोर शुरू होगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इज अ COOH ग्रुप। सो 1, 2, 3, 4, 4-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड स्ट्रक्चर। अगर किसी बेंजीन रिंग को एसिड ग्रुप अटैच होता है तो स्ट्रक्चर को हम सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कहते हैं। राइट सो इट इज अ 4-अमीनो सैलिसिलिक एसिड बिकॉज 4th नंबर के पोजिशन पे एंड NH2 ग्रुप अटैच है। सो राइट ऑप्शन इज अ ऑप्शन नंबर सी। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द बैक्टीरियल ड्रग रेजिस्टेंस इन अ ट्यूबरक्यूलोसिस इज वाया ट्रांसडक्शन, देन ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन, प्लाज्मिड एंड देन ऑप्शन नंबर डी म्यूटेशन। बैक्टीरियल ड्रग रेजिस्टेंस इन अ ट्यूबरक्यूलोसिस इज वाया म्यूटेशन। ओके म्यूटेशन की वजह से भी रेजिस्ट करता है, मतलब कि जो आप फर्स्ट लाइन एजेंट, सेकेंड लाइन एजेंट, थर्ड लाइन एजेंट यूज करते हैं उसका कॉजिंग एजेंट यहाँ पे दिखाया गया है। सो राइट आंसर इज अ म्यूटेशन। ओके ऑप्शन नंबर डी। ओके सो इम्पोर्टेंट MCQs है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके तब तक के लिए थैंक यू।